सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव मामले में जारी किया नोटिस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी इसकी जानकारी। जी हां, आपको पता चले कि दिल्ली में मेयर का चुनाव कराने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 मांगे रखी है। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने LG पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर वाले मामले में नोटिस इशू कर दिया, अभी सुनवाई होने वाली है तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कर दिया, नोटिस कर दिया। अच्छा, नोटिस कर दिया, मैंने अभी देखा नहीं। सोमवार को सुनवाई होगी सर, नोटिस कर दिया। उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके जो जो मुद्दे थे, जिस तरह से गलत तरीके से ये मेयर का चुनाव नहीं करा रहे थे, मुझे उम्मीद है अब चुनाव ठीक होगा। इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहाँ हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहाँ से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने, सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम भी होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर वाले मामले में नोटिस इशू कर दिया, अभी सुनवाई होने वाली है तो देखते हैं। सुप्रीम नोटिस कर दिया, नोटिस कर दिया। अच्छा, नोटिस कर दिया, मैंने अभी देखा नहीं। सोमवार को सुनवाई होगी सर, नोटिस कर दिया। क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके जो जो मुद्दे थे, जिस तरह से गलत तरीके से ये मेयर का चुनाव नहीं करा रहे थे, मुझे उम्मीद है अब चुनाव ठीक होगा।